पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि उनकी सरकार समाज के हर एक वर्ग की भलाई के लिए महान गुरुओं के बताए रास्ते पर चल रही है। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में पूरे श्रद्धा भाव से मत्था टेका। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर भी मौजूद थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को नमन किया। आज आसानी कुर्बानी दुनिया के कितने मिसाल नहीं मिल रही। बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी की शहीदी इस तसीहे देख के दीवारां चिणवाया गया। जो दीवार कंध गोडिया तक आई गई इट्टा छिलन की बजाय गोडे छिले गए, जिन्हों सुन के अज भी जो जोश भी भरता है रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। पर उन्होंने 7 से 9 साल के साहबजाद ने धर्म नहीं हारिया, कविता जी के बचन नहीं हारे। पूरी दुनिया के अज नतमस्तक हो रहे हैं, जिते भी लोग हैं। मैं भी अपने परिवार से देखने आया। मुख्यमंत्री ने बताया कि जब वो सांसद थे तो तत्कालीन लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की जानकारी में ये मामला लाए थे और सदन ने गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को श्रद्धांजलि भेंट की थी। 27 दिसंबर 2018 आज के दिन पार्लियामेंट के विच मैं जब मैं एमपी सी मैं पहली बार उसे श्रद्धांजलि करवाने का मैनू सुभाग प्राप्त होया सी। इस तो पहला नहीं होया। उहदे नाल की है कि सारी दुनिया के विच ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਕੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕੋਲ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेकने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पवित्र स्थान न केवल सिखों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। 26-28 की सभा होती है, बहुत दुनिया इतनी आती है पूरे पंजाब को, पूरी दुनिया के लंगर लागे लगते हैं। जिते जिते भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं देख रहे हैं वाणी सरवण कर रहे हैं सारे मैं ये शहादत पर नमन करनी थी। जो आप नमन करिए तो उन्होंने याद करिए हिस्टरी के बहुत वड्डी कुर्बानी है। यह आने वाली पीढ़ियों कलिया साडिया पीढ़ियों नहीं पूरी दुनिया च उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को पता लगना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी ने छोटी उम्र में शहादत प्राप्त की। भगवंत सिंह मान ने कहा कि माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों की शहादत वाली ये पवित्र धरती सदियों से पंजाबियों को जुल्म और दमन के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए प्रेरित करती आ रही है। ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਆ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਝੂੜ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਣਕਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜੇ ਨਿਖਾ ਆ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे साहिबजादों ने उस समय के मुगल शासक की मनमानी और जुल्म के विरुद्ध खड़े होकर बेमिसाल बहादुरी का परिचय दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा पंजाब इस महीने को शोक के महीने के तौर पर मनाता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विश्व के इतिहास में बेमिसाल बलिदान देने वाले छोटे साहिबजादों को श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए दुनिया भर से संगत फतेहगढ़ साहिब में पहुंचती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जब इतनी छोटी उम्र में किसी ने ऐसा बलिदान दिया हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व को साहिबजादों के बलिदान पर गर्व है। ये न केवल पंजाबियों या देशवासियों के लिए बल्कि हर इंसान के लिए गर्व की बात है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि वो खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि उनको राज्य और लोगों की सेवा करने का सौभाग्य हासिल हुआ है। अमित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।